है। मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में किया जा रहा है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। धर्म नगरी से पधारे बाल व्यास कपिल देव जी महाराज के मुखरविंद से की जा रही है श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस वर्षा। लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में की जा रही है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। धर्म नगरी से पधारे बाल व्यास कपिल देव जी महाराज के मुखरविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस धारा प्रवाह को अपने जीवन में उतार कर धर्म लाभ अर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस बाल व्यास कपिल देव जी महाराज का मुख्य यजमान महेश चंद्र अग्रवाल तथा लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट परिवार के सदस्यों तथा गणमान्य धर्म प्रेमियों द्वारा कथा व्यास जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पुराण की आरती गाकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारम्भ किया गया। कथा के प्रथम दिवस बाल व्यास कपिल देव जी महाराज द्वारा श्री हरि के भजन को सुनाकर किया गया। प्रथम दिवस बाल व्यास जी द्वारा उपस्थित सभी भक्तों को कथा का श्रवण कराते हुए कहा, कथा श्रवण करने वालों में मुख्य रूप से महेश चंद्र अग्रवाल, लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट परिवार के समस्त सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर श्री महाकालेश्वर धाम में दिनांक 2/8/2023 से 9/8/2023 तक श्री भगवत कथा महात्म्य महापुराण का कथावाचक सरस वक्ता बाल व्यास श्री कपिल देव महाराज जी के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी महानुभाव से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर इस अधिक मास में और अब भगवत कथा का लाभ उठाएं। सर किस समय से जो सुबह यात्रा है, कलश यात्रा है, वो 2 अगस्त को बड़ा मंदिर पांच बड़े से 3 बजे निकलेगी, जो 4:30 बजे तक मंदिर में आएगी। इसके बाद गणेश पूजन होगा और इसी तरह 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त को हवन भंडारा होकर के इसका समापन होगा। ये जो कथा है इसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो श्रवण मास है, अधिक मास है, जो उसको भी मल मास भी कहा जाता है, इसके अंदर या क्यों इसके अंदर जो अधिक मास है, क्यों इसमें जो है किशन जी की पूजा की जाती है इस अधिक मास में, क्योंकि ये अधिक मास किशन जी को समर्पित है। अतः महाकालेश्वर धाम की पावन भूमि पर आप सभी लोग जहाँ चंदन, रुद्राक्ष, अश्वगंधा, पारस पीपल, अनेकों प्रकार के मतलब जैसे पंच पल्लव है, पारस पीपल है और लौंग है, इलायची है, रामफल है, ये सभी वृक्ष लगे हुए हैं और कल्प वृक्ष जिसकी छाया में ये भगवान शिव अपना आनंद ले रहे हैं। आप भी आइएगा और अपने तन मन धन से जो भी है अपने मन को पावन और स्वच्छ बनाइएगा।